बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जी आलू के बहुत ही क्रिस्पी और मजेदार से स्नैक्स। और ये माशाल्लाह से स्नैक्स बहुत ही कम बजट और बहुत ही कम मेहनत में बन जाते हैं, और माशाल्लाह से ये टेस्ट में बहुत मजेदार बनते हैं। और इतने ढेर सारे ये स्नैक्स बन जाते हैं, पूरी ही फैमिली पेट भरकर इन स्नैक्स को एंजॉय कर सकती है। इन स्नैक्स को बनाया है जी हमने सिर्फ और सिर्फ दो पोटैटोस के साथ। माशाल्लाह से देख सकते हैं कितने ढेर सारे हमारे ये स्नैक्स बन चुके हैं। और यकीन माने इनका टेस्ट ऐसा है कि आप चिकन मटन के कबाब भूल जाएंगे। तो चलिए आइए टाइम वेस्ट किए बगैर इन मजेदार से आलू स्नैक्स को बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मजेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सके। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आलू के स्नैक बनाने के लिए यहाँ पर हमने पैन में ऐड कर दिया है 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टेबल स्पून जीरा, 3 से 4 सब्स और लाल हरी मिर्च ऐड करेंगे। अब इन्हें ऑयल में जो है वो हम हल्का सा फ्राई करेंगे। अब हमने कुछ वेजीज ली हैं जो कि यूं हैं। हमने ली है जी शिमला मिर्च जो कि ग्रीन है और रेड वाली है, और हरा प्याज ली है जिसका व्हाइट वाला पार्ट है। इन सबको मैंने चॉप से कट किया हुआ है। अच्छे से मिक्स करेंगे और वेजीज को हम फ्राई करेंगे जी। तो वेजीज फ्राई हो चुकी हैं, अब इसमें ऐड कर देंगे 1 गिलास पानी। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जैसे कि 1/2 टेबल स्पून भुना पिसा गरम मसाला, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया पिसा हुआ, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स और 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर देंगे। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। मिक्स करेंगे और पानी में जो है वो अच्छी तरह से बॉयल आने देंगे। तो पानी में बॉयल आ चुका है, इसके साथ हमने ली है 1/2 कप सूजी। ऐड कर देंगे सूजी को और मिक्स करेंगे। इस स्टेज पर आप फ्लेम को जो है वो थोड़ा कम कर दीजिएगा। मिक्स करेंगे जी मुसलसल, और जितना भी ये पानी होगा ये सूजी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगी और सूजी जो है वो फूल जाएगी। इसी तरह से मुसलसल मिक्स करेंगे और इस तरह से माशाल्लाह से सूजी जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट सी हो जाएगी और इस तरह से बैटर के फॉर्म में बन जाएगी। तो मुसलसल आपने मिक्स करना है और इस स्टेज पर आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। इस सूजी के मिक्सचर को हम ठंडा कर लेंगे। बहुत ज़्यादा आपने ठंडा नहीं करना, बस लाइट सा ठंडा करना है। तो इसे हमने ट्रांसफ़र कर लिया था एक बाउल में। अब इसके साथ ही हमने लिए हैं जी आलू 2 मीडियम साइज़ के, जिन्हें बॉयल करने के बाद हमने कद्दूकश कर लिया है जी। कद्दूकशर की मदद से ऐड कर देंगे आलूओं को, और इसमें ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून कॉर्न स्टार, मुठ्ठी भर हरा धनिया और हरा पुदीना ऐड करेंगे। बहुत टेस्टी सी खुशबू आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब चम्मच की मदद से हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इस तरह से। माशाल्लाह से ये स्नैक्स बहुत टेस्टी, बहुत क्रिस्पी बनते हैं, बहुत कम मेहनत लगती है। तो बैटर को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है, बहुत ज़बरदस्त सा माशाल्लाह से ये हो चुका है स्मूदली सा। बैटर को हमने 10 मिनट तक रेस्ट पर रखा था, और अब हैंड्स पर आपने लगा लेना है जी ऑयल। आप चाहे पानी भी लगा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कबाब्स हम बनाने स्टार्ट करेंगे, मीन्स के स्नैक्स। तो इस तरह से थोड़ा सा बैटर लें, इसे रोल करें और हल्का सा प्रेस करें, तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्ती शेप बन जाएगी कबाब्स की। इस तरह से बन चुका है ये कबाब, प्लेट में रखेंगे। तो यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कबाब छोटे साइज़ के बनाना चाहें, बड़े साइज़ के बनाना चाहें। तो यहाँ पर मैं छोटे साइज़ के बनाऊँगी। आप चाहें तो रोल शेप भी दे सकते हैं, जो भी आप शेप इजी वे में बना सकें आप वो भी बना सकते हैं। लेकिन जो मैं शेप बना रही हूँ ये बहुत आसानी से बन जाती है और बहुत परफेक्ट इसकी शेप बनती है। तो माशाल्लाह से ये भी हमारा कबाब बनकर बिल्कुल तैयार है, प्लेट में रखेंगे और इसी तरह से जो है वो हम सभी कबाब्स बना लेंगे, मीन के स्नैक्स। तो लीजिए, हमने सभी कबाब्स बना लिए हैं, बहुत परफेक्ट, बहुत ज़बरदस्त से बने हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन कबाब्स को आपको बिल्कुल भी किसी चीज़ की कोटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, बस आप बनाइए डायरेक्टली फ्राई कीजिए। तो यहाँ पर हमने पैन में ऑयल को गर्म कर लिया है, स्नैक्स ऐड करेंगे जी फ्राई करने के लिए। जितनी हमारी पैन में जगह थी उस लिहाज से हमने स्नैक्स को ऐड कर दिया है जी फ्राई करने के लिए। अब इन्हें फ्राई करेंगे जब तक ये एक साइड से गोल्डन कलर नहीं आ जाता। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इन स्नैक्स को जी स्टोर कर सकते हैं 3 से 4 वीक्स तक, बहुत इजी वे में ये स्टोर हो जाते हैं। आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए या आपको टी टाइम में कुछ खाने को दिल करे क्रिस्पी मज़ेदार, तो आप इन स्नैक्स को बना सकते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो माशाल्लाह से ये एक साइड से फ्राई हो चुके हैं, और ये एक तरफ से फ्राई होने के बाद खुद ही ऑयल में ऊपर आ चुके हैं, मीन्स के फूल चुके हैं। तो अब इस स्टेज पर आपने इन्हें पलट लेना है, उससे पहले जो है वो आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, वरना तो ये फिर टूट जाएंगे। जब ये इस तरह से खुद ही फूल कर ऊपर आ जाए तो फिर ही आपने पलटना है। तो इस टिप को आपने ज़रूर फॉलो करना है। तो अब इसी तरह से हम इन्हें फ्राई करेंगे जब तक कि दूसरी साइड से भी गोल्डन कलर नहीं आ जाता।
तो लीजिए हमारे स्नैक्स जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं, बहुत ज़बरदस्त है, इनके ऊपर कलर आ चुका है, बहुत टेस्टी से बनते हैं माशाल्लाह से। जब आप ट्राई करेंगे तो ये स्नैक्स की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। यकीन माने इनका टेस्ट ऐसा होता है कि जैसे आप चिकन और मटन के कबाब खा रहे हो। सबसे अच्छी ये बात है कि इन कबाब्स को आप बहुत ही कम बजट में बना सकते हैं। तो प्लेट में हमने निकाल लिया है, इसी तरह से हम दूसरे कबाब सेट करेंगे जी फ्राई करने के लिए। जैसे कि आलू जो है वो हर किसी के घर में बहुत आसानी से अवेलेबल होते हैं, तो आप जब ये स्नैक्स बनाकर रख देंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। जैसे कि अचानक से कोई मेहमान आ जाए, समोसे पकोड़े लाने की जगह आप इन स्नैक्स को बनाकर दे सकते हैं। यकीन माने बहुत शौक से, बहुत मज़ेदार से उनको लगेंगे। तो अब ये भी हमारे स्नैक्स 8 से फ्राई हो चुके थे, इन्हें हमने पलट लिया है। अब इसी तरह से इन्हें भी फ्राई करेंगे जी जब तक कि गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो लीजिए हमारे ये भी स्नैक्स फ्राई हो चुके हैं, इन्हें भी हमने प्लेट में निकाल लेना है। बहुत क्रिस्पी, बहुत क्रंची, बहुत टेस्टफुली बनते हैं माशाल्लाह से एक स्नैक्स। अब मैं आपको चेक करवा देती हूँ क्योंकि फाइनली हमने इन्हें डिश आउट भी कर लिया है। तो देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने क्रिस्पी बने हैं। रेसिपी इस स्टेज पर थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह से न्यू और टेस्टी मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपके साथ भी शेयर होती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से देख सकते हैं बाहर से ये कितने क्रिस्पी बने हैं और अंदर से कितने सॉफ्ट मलाई की तरह लग रहे हैं। केचप ये चटनी के साथ आप इन्हें इंजॉय कर सकते हैं या फिर आप टी टाइम चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत मज़ेदार लगते हैं। बच्चों को आप बनाकर दे सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर थम्स अप दीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रेसिपी को शेयर ज़रूर कीजिए। तो इंशाल्लाह से एक न्यू और टेस्टी रेसिपी के साथ भी मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।